अच्छा है, उनके लिए अच्छा है जिनको टैरो कार्ड समझना है ये होता क्या है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रामबाण है, चाहे वो स्टूडेंट हमारे अपने हो या स्टूडेंट्स कहीं और से भी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, बट उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, जिनको ये समझना है टैरो कार्ड काम कैसे करता है। सो आज हम बात करेंगे तीन बड़े पॉइंट्स की। वन, व्हाट इज टैरो कार्ड, टैरो कार्ड है क्या। सेकंड, ये काम कैसे करता है, उसका बेसिक सिद्धांत क्या है। थर्ड, इसके पीछे पैरासाइकोलॉजिकल क्या लगा हुआ है, माइंड कैसे इससे कनेक्ट होता है और कैसे इसके रिजल्ट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं अपने चैनल, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है अवर ब्रेन अवर लाइफ, उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं टैरो कार्ड। टैरो कार्ड क्या होता है, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो स्टूडेंट्स इसको लर्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स कहीं और से लर्न कर चुके हैं उनके भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके तो हो ही जाएंगे बिल्कुल, उनको तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो आज आपको समझने की जरूरत है टैरो कार्ड क्या है, ये कोई मजाक है या कोई साइंस है या कोई पैरासाइकोलॉजिकल साइंस है इसके बिहाइंड। तो चलते हैं जर्नी पे, और चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप और हम जुड़े रहेंगे इसी बहाने। तो हम चलते हैं जर्नी पे। टैरो कार्ड, टैरो कार्ड क्या है, बहुत सारे लोग समझते हैं मिथ है, ये ऐसे ही पागल बनाने का बिजनेस है, और कुछ विश्वास करते हैं। तो ये वीडियो किस किस के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है जिनको टैरो कार्ड समझना है ये होता क्या है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रामबाण है, चाहे वो स्टूडेंट हमारे अपने हो या स्टूडेंट्स कहीं और से भी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, बट उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, जिनको ये समझना है टैरो कार्ड काम कैसे करता है। सो आज हम बात करेंगे तीन बड़े पॉइंट्स की। वन, व्हाट इज टैरो कार्ड, टैरो कार्ड है क्या। सेकंड, ये काम कैसे करता है, उसका बेसिक सिद्धांत क्या है। थर्ड, इसके पीछे पैरासाइकोलॉजिकल क्या लगा हुआ है, माइंड कैसे इससे कनेक्ट होता है और कैसे इसके रिजल्ट आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं जर्नी पे। सो हम पहले बात करते हैं टैरो कार्ड, टैरो कार्ड है क्या। टैरो इज अ वर्ड विच इज फ्रॉम यूरोपियन, लाइक जर्मन एंड इटालियन। एक्चुअल में इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता लोगों को, 16वीं शताब्दी के आसपास ये कहीं उन लोगों ने प्ले करना शुरू किया था, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, फुलिशनेस, पागलपन। अब आप कहेंगे पागलपन, यूरोप वाले लोग तो इसके पीछे बहुत भाग रहे हैं, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ये लोग तो पागल है टैरो कार्ड, दे आर बीइंग लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। और इंडिया में भी अब तो खैर ये कंसेप्ट काफी ग्रो कर रहा है, तो वो इसको फुलिशनेस क्यों बोलते हैं, अगर ये फुलिशनेस है तो उनको भागना नहीं चाहिए, वो सही बोलते हैं। 16वीं शताब्दी में भारत बहुत ही सोने की चिड़िया जैसा था, हम लोग बहुत ग्रो हो चुके थे, हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, हमें मालूम था कि माइंड कैसे काम करता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था। तो ये वैसे ही है कि जब कोई एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है और एक उसको ऐसा आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, जिसे हम कहते हैं अनपढ़ आदमी, सुनता है तो वो पढ़े लिखे का मजाक उड़ाता है। मैं छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब कभी छोटा रहा था तो मेरी टीचर ने बताया था कि मानसून से बारिश होती है, उससे पहले मैं समझता था बादल नहीं है, मानसून नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं छोटा बच्चा था तो मुझे पता लगा, मैंने पढ़ा हूं, तो मैं अपने गाँव गया तो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे कुछ, तो मैंने उन्हें बताया, क्योंकि बच्चे में बताने की समझाने की ज्यादा एंटी भरा होता है, तो उसने बताया कि बादल से बारिश नहीं होती दादा, ये बारिश किस चीज से होती है, ये बारिश होती है मानसून से। अब क्या है, वो बारिश का ही टाइम होता था, जून जुलाई में हमारी छुट्टियां रहती थी गर्मी की, तो बारिश शुरू हो जाती थी जून और जुलाई में, तो बारिश हुई नहीं उस बार, लेट हो गई। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उनको याद था कि अरे भाई ये तेरे मोने सोने कहां रह गए। अब मोने सोने मींस ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग, क्योंकि वो ये उनको ये पता था कि बादल से बारिश होती है,
तो खैर आपको ये समझ आ गया होगा, वैसे ही यूरोपियन लोगों को ये फुलिशनेस लगती थी, जो हमारे यहाँ आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, विच इज अ सीरियस चीज, जिसको आप भी कभी मजाक में लोगे, कि तोते से एक जमाने में कुछ कार्ड निकाले जाते थे जो आपका फ्यूचर बताते थे। और 16वीं शताब्दी में अगर आप थोड़ा सा इसे बैक जाके पढ़ेंगे तब ये विद्या बहुत पीक पे थी। अब तो ये कंसेप्ट धीरे धीरे हट रहा है, मॉडर्न राइज कंसेप्ट आ गया, टैरो कार्ड आ गया। तो टैरो की बजाय उस जमाने में ऐसा होता था, तो जो यूरोपियन लोग हमारे यहाँ आए उनको लगा ये फुलिशनेस है, बिकॉज उनको पता ही नहीं था ये काम कैसे करता है। तो उन्होंने उसी फुलिशनेस में कुछ कार्ड्स बनाए अपने लिए और उनको एज ए मजाक शुरू कर दिया। तो ये है टैरो कार्ड की हिस्ट्री जो मैंने आपसे शेयर की। तो ये हम आज समझते हैं कि कहीं यूरोप में शुरू हुआ, नहीं, ये शुरू तो इंडिया में हुआ। यस, उन्होंने इसको नया नाम दिया है। हम इसको तोते से उठवा देते तो हमारे यहाँ डिफरेंट नाम यूज होते थे, ठीक है, जादू मंत्र और ये सब, लेकिन वो लोगों ने एक प्रॉपर प्रोफेशनल नाम दिया है। तो टैरो इज अ वर्ड, कहते हैं जर्मन और इटैलियन से कहीं मिलके बना है, और अब इसका जो इतिहास है वो उन्हीं का इतिहास आगे चल रहा है। तो टैरो कार्ड हो गया। अब हम इसको समझते हैं टैरो कार्ड का सेकंड पॉइंट, कि टैरो कार्ड है क्या, काम कैसे करता है, कोई बेसिक सिद्धांत होगा इसका। तो अगेन आप सरप्राइज होंगे जो मैं सिद्धांत बताने जा रहा हूं। तो उस सिद्धांत से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि टैरो कार्ड होते कितनी तरह के। टैरो कार्ड कई तरह के होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल आते हैं जैसे भगवत गीता के आते हैं, इस्कॉन टेम्पल निकालता है, कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल प्लस हीलिंग मिला के हैं, ओशो के आते हैं, कुछ ऐसे कार्ड हैं जो प्योर हीलर कार्ड है, वो बहुत सारे लोग बनाते हैं, कुछ लोगों ने रिसर्च किया, उन्होंने अपना भी ऐड कर दिया उसमें, कुछ फॉरेन की भी कंपनीज है वो बनाते हैं। तो ये ऐसे कार्ड्स कई तरह के हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, वो उसी में उसको परफेक्शन करता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मल्टीपल लाइंस में परफेक्शन करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा टैरो कार्ड का कंसेप्ट की कितनी तरह के। अब हम आते हैं ये है क्या, कैसे काम करता है। तो इसका बेसिक सिद्धांत बड़ा ही स्मूथ है। टैरो कार्ड में जो प्रोफेशनल हीलिंग कार्ड्स होते हैं वो 78 होते हैं, और उस 78 में भी थोड़ा और डिवीजन करने की जरूरत है। 56 कार्ड्स को बोला जाता है माइनर आर्केना, मतलब आर्केना इज अगेन टर्किश वर्ड, इसका मतलब सिंपल है कार्ड्स, तो हम कार्ड्स बोल लेते हैं। तो 56 कार्ड्स होते हैं जो माइनर बोले जाते हैं, और जो बाकी 22 कार्ड्स हैं उनको मेजर बोला जाता है। अब हम आते हैं उस 56 को, माइनर को समझने की कोशिश करते हैं कि वो माइनर है क्या। माइनर में दो चीजें हैं कि हमें ये पता होना चाहिए किस सिद्धांत पे बना है, और दूसरा है हमें काम कैसे करता है। तो सिद्धांत बताओ, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, ये आप सब लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, सब लोगों से ये फीलिंग आई होगी, बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा, गुरुओं ने बताया होगा, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी मतलब मिट्टी जो हमारे शरीर में है, स्किन। जल तो है ही, 78% साइंटिस्ट भी बोलते हैं हमारे बॉडी में है। अग्नि जो पाचन क्रिया को हमारी ठीक करती है वो अग्नि है। वायु, हवा तो हर सेकंड चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं गई तो बंटाधार हो जाएगा, तो ऑक्सीजन है। और पांचवा तत्व है आकाश। तो आकाश तत्व अलग है, वो हमारे बर्थ के लिए बहुत जरूरी है, वरना सबको ही संतान हो जाती है। जो संतान नहीं होती वो आकाश तत्व की प्रॉब्लम होती है। अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी संतान नहीं हो रही तो आकाश तत्व की प्रॉब्लम है। उसके लिए आप कहेंगे तो अलग से वीडियो हम बना सकते हैं, इस वीडियो को अंदर अगर वो डालेंगे तो लंबा है। तो हम ये समझते हैं कि पांच तत्व होते हैं, चार हमारी बॉडी में है। तो ये जो माइनर कार्ड्स हैं, आर्केना है, ये जो माइनर है ये उन चार तत्वों में से, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और ये 14-14 के बंडल्स में है। 14 एयर के लिए, 14 जल के लिए, 14 अग्नि के लिए, 14 पृथ्वी के लिए। तो ये हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि इन्हीं से हम कर्म करते हैं, इन्हीं से ही हम अपना फ्यूचर बनाते और बिगाड़ते हैं। तो ये चार उसमें हो गए, और पांचवा है आकाश, जिसके अंदर हम लिप्त रहते हैं, वो ब्रह्मांड में है। तो पांचवा क्या है, अगर
वो ब्रह्मांड में है, आपकी बॉडी में नहीं है। तो जो मेजर है, जो मेजर कार्ड्स हैं 22 कार्ड, वो उस आकाश से जुड़े। तो ये आपको क्लियर हो गया किसका सिद्धांत क्या है, टैरो कार्ड का। ये सिद्धांत बड़ा मूल सिद्धांत है, जो बेसिक हम लोगों का सिद्धांत है। और ये आप सबको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी का भी यही सिद्धांत है, उसमें भी राशियां होती हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब से बनती हैं। तो ये सब बेसिक सिद्धांत है, वही सिद्धांत हम लोगों ने उनसे ले लिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि अब ये साइकोलॉजिकल कैसे जुड़ गया। तो उसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि जो पांचवा तत्व है और ये चारों तत्व हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड कहां पे हैं, सबकॉन्शियस से। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन सबको समेटे हुए है, इसलिए हमें कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में एवरीथिंग इज देयर। फ्यूचर भी है, पास्ट भी है और प्रेजेंट तो है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका कनेक्ट हो गया इन कार्ड के साथ, जो हीलर हैं उनको यही सिखाया जाता है, जो जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं हम उनको यही सिखाते हैं कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे पहली बार कनेक्ट होता है, पहली बार। दूसरी बार वो सबकॉन्शियस माइंड पैरा सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्ट होता है। ये सबकॉन्शियस और पैरा सबकॉन्शियस के लिए ऑलरेडी वीडियोज हैं हमारी, आप वॉल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल, फेसबुक वॉल पे भी और यूट्यूब चैनल। तो ये जो पांच तत्व हैं, उनमें से जो चार तत्व हैं और जो मेजर और माइनर हैं, उनके क्लब से ये काम कर रहा है। क्लियर है? अब हम आते हैं कि अगर ये कनेक्शन सही होगा जितना, उतने ही आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। कभी कभी आपको पता लगता होगा ना कि टैरो कार्ड दिखाया था बट रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया। तो जो हीलर है वो जितना परफेक्ट होगा सबकॉन्शियस से इन कार्ड्स को जोड़ने में, जितना उसका परफेक्शन होगा उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट। ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हिसाब है। अगर आपका परफेक्शन कम है रिजल्ट कम होंगे, अगर परफेक्शन आपका उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कनेक्शन ज्यादा है तो रिजल्ट ज्यादा होंगे। तो सबकॉन्शियस और पैरा सबकॉन्शियस के कनेक्शन जितने अच्छे होंगे उन कार्ड के साथ, उतने ही आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। तो अब आपको यह समझ आ गया कि टैरो कार्ड क्या है, किस सिद्धांत पे बना हुआ है, कैसे काम करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्ट हो जाता है। और इसको जैसे जैसे हीलर अपनी प्रैक्टिस करता है वो उतना ट्रेंड हो जाता है और आपके लिए रिजल्ट्स और बेटर क्रिएट करता है। तो ये कोई ऐसा फ्रॉड काइंड ऑफ चीज नहीं है जो अगर आप सोचते हैं, इट इज ए प्रॉपर साइंस जिसके पीछे हमारे पूरे पंच तत्व हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगा। और कभी कभी इसके अंदर हमें पिछले जन्म का कुछ पता हो, पिछले जन्म की प्रॉब्लम हो, तो हमें PLR मेथड होता है, उसका वीडियो अलग से बना देंगे PLR मेथड का। PLR के साथ आपको सबकॉन्शियस को कनेक्ट करना पड़ेगा और पैरा सबकॉन्शियस को भी डालना पड़ेगा, तभी आपके पिछले जन्म के रिजल्ट बेटर। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, साइकोलॉजिकल, इंडियन साइकोलॉजिकल। मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ, बट फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।